नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले बोर्ड पर देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा औसत वाले चैप्टर का है और प्रश्न है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। उसने कहा कि 6 संख्याएं हैं, लगातार हैं और कैसी हैं, सम हैं। तो हम सबसे पहले तो 6 डिब्बे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 6 गोले बन गए या 6 डिब्बे बन गए। उसने कहा कि संख्याएं कैसी हैं, लगातार हैं। जब शब्द लगातार का आ जाता है तो जो उनका औसत होता है वह संख्याओं में से बीच वाली संख्या होती है। तो अब यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 6 हैं, बीच में तो कोई नहीं है, तो औसत क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। और औसत कितना है, औसत है 207। ठीक है, अब औसत जब 207 है तो संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं सम हैं। तो इसके आगे क्या होगी, इसके आगे 208 होगी, इसके पीछे 206 होगी, 204 होगी और 202 होगी, आगे 210 होगी और 212 होगी। ठीक है, बस यहां पर आपको दिमाग लगाना था कि औसत 207 है तो संख्या क्योंकि सम है इसलिए औसत 207, तो संख्या 208 और 206 होगी और आगे पीछे भी इसी प्रकार हम सम संख्याओं को आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, अब आगे उसने कहा है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 202, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 212। जोड़ देंगे, 2 2 4, 1 2 2 4, आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 414। इस प्रश्न को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो औसत होता है तो औसत का एक फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। यानी लेकिन कब होगा फॉर्मूला, जब हमारी संख्याएं लगातार हों, ये ध्यान रखना है। जब संख्याएं लगातार हों तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। ठीक है, तो हमसे उसने पूछा था सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या होती है पहली और सबसे बड़ी संख्या है आखिरी की, तो प्रथम प्लस अंतिम बराबर कितना आ जाएगा, औसत का गुणा किसमें कर देंगे हम, औसत का गुणा 2 हो जाएगा। यानी जो भी औसत है उसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग निकल के आ जाएगा। अब यहां पर औसत था 207, गुणा करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 414। ठीक है, तो इसको इस प्रकार भी हम लगा सकते हैं। तो आपने दोनों तरीके देख लिए, ए सिंपल मेथड है और ए भी सिंपल मेथड है। जब उसने प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग पूछा था तो औसत में 2 का गुणा कर देते, प्रश्न पढ़ते कि लगातार 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 207 है, फटाफट इसमें क्या करते हम, 2 का गुणा कर देते, 414 आंसर आ जाता। ठीक है, और इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपने जाने, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।